हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म एक थ्री डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, दो इंक्लाइन प्लेन होता है ऐसा, और टोटल कितना सरफेस होता है, दो तीन चार पाँच सरफेस होता है, ठीक है। हमारे पास एक प्रिज्म है, इसे हम लोग देख सकते हैं। प्रिज्म इसका दो इंक्लाइन सरफेस होता है, ठीक है, और ये जो सब सरफेस होता है ये रफ्स, बाकी सब सरफेस रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो ये जो दो इंक्लाइन सरफेस होता है, यहाँ पे लाइट गिरता है और यहाँ पे बाहर निकलता है। टोटल कितना सरफेस है, एक दो तीन चार और पांच सरफेस होता है। थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वो साइड वाला डायग्राम बनाएंगे, मतलब इस सरफेस से लाइट आके गिरेगा, यहाँ से निकलेगा, वो वाला हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और ये है बेस जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करके हम लोग मेन जो टॉपिक है उसके अंदर चले जा रहे हैं। तो पहले बात है कि इस प्रिज्म के एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को नाम क्या है, ए बी और सी। ये जो एंगल है इसका नाम क्या है, ये जो ए है इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइट रे गिरता है यहाँ पे, मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइट रे गिरता है यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइट रे आके गिरा ऐसे, यहाँ पे एक लाइट रे आके ऐसे गिरा यहाँ पे इस पॉइंट पे, मान लेते हैं पी है, ए क्यू है, क्यू पॉइंट में आके गिरा। तो इसमें क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के साथ ये तो जाना चाहे ऐसे जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मीडियम का ट्रांजेक्शन हुआ, चेंज हुआ, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ पे है, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर है, तो इधर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ गया है, ओके। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट क्यू, इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट क्यू। अब ये रे यहाँ पे जाके जब गिरेगा तो यहाँ पे और एक बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर से रियर, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले नॉर्मल ड्रॉ करते, इसका नॉर्मल क्या कैसे होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। तो नॉर्मल इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाते था लेकिन ऊपर तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे होगा, सो ऐसे हो जाएगा, सो पी क्यू आर एस। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको आर वन मान लेते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम लोग आई टू मान लेते हैं, ठीक है। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, उसका कोई बात नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो रे पी क्यू रे इधर जा रहा था, लेकिन प्रिज्म के वजह से वो इधर चला गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए लाइट क्या हो गया, डेविएट हो गया, मतलब ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, और इसका नाम है इमर्जेंट रे। इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, इसका नाम है एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये दो इंटरनल एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। एक्चुअली एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या निकालना है, जो नया चीज़ हम लोग देखेंगे वो है डेविएशंस, कि उसका डेविएशन कितना हो रहा है। अगर प्रिज्म ना होता तो किधर जाता, ये लाइट सीधा जा रहा था तो बेकाम में वो सीधा जाता, ऐसा जाता कि नहीं जाता, ऐसा जाता, अगर प्रिज्म ना आता वो आराम से ऐसे जाता, लेकिन प्रिज्म के वजह से वो अल्टीमेटली किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर, सो उसका जाना था इधर लेकिन वो जा रहा है इधर, तो ये कितना बेंड हो गया है, ये जो एंगल होता है जिधर जाना था और जिधर जा रहा है इन दोनों के बीच के जो एंगल है, इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशंस, मतलब कितना एंगल में वो डेविएट हो गया ओरिजिनल पाथ से, वो है एंगल ऑफ डेविएशंस। तो हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को एक काम करना है कि डेल्टा जो है उसका वैल्यू निकालना है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो नॉर्मल है इसको और इसको जोड़ देते हैं, ये क्यू ए आर, इसको नाम कुछ नाम दे देते हैं टी, ठीक है, और इसका नाम कुछ दे देते हैं यू, दे देते हैं यू, इस ए प्लस पॉइंट का नाम, अलग अलग नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये कितना एंगल होगा, ये अगर आई होगा तो पूरा एंगल आई होना चाहिए, हम लोगों को पता है कि ए एंगल जितना होगा ये एंगल वैसा ही होगा, तो इसका मतलब ये अगर आई है तो ये पूरा एंगल कितना होता, आई होता, आई वन होता, लेकिन उससे आर वन अगर घटा दे तो बाकी बचा कितना एंगल यहाँ पे, आई वन माइनस आर वन, और ये एंगल आई टू है तो ये पूरा एंगल आई टू होता, लेकिन आर वन घटा देते तो बाकी बचा कितना एंगल, आई टू माइनस आर टू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से देखना पड़ेगा, ट्रायंगल यू क्यू एंड आर, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ऐसा ट्रायंगल है कि नहीं है, ऐसे है, यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे आई वन माइनस आर वन है, यहाँ पे आई टू माइनस आर टू, इन दोनों का सम बराबर दिस लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल है यू क्यू आर और एंगल यू आर क्यू, इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो डेल्टा मिल जाएगा। तो यू क्यू आर मतलब क्या है, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू इक्वल टू डेल्टा, सो आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू कॉमन हो जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा, इक्वेशन नंबर वन। ये डेल्टा का एक फॉर्मूला आ गया है लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक डेरिवेशन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्यू ए आर टी, एक क्वाड्रिलेटरल को फोकस करते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्यू ए आर टी, यहाँ से क्या पता चलता है, क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है प्रॉपर्टी, सम ऑफ फोर साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका एंगल क्या है, ए है, और ए वाला एंगल क्या है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है इसके साथ परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो क्या होगा बोलो, एंगल ए, सिर्फ ये लिखते हैं उसको, ये लिखते हैं प्लस एंगल ए क्यू टी प्लस एंगल ए आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर, इन चारों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल तो ये रहेगा, इसमें कोई बात नहीं, ए क्यू टी मतलब 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, और क्यू टी आर, क्यू टी आर कितना होगा बोलो, ये आर वन है और आर टू है, तो ये कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है एक ट्राइंगल का, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको अगर अलग से करेंगे, इसको साइड में करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है क्यू टी आर ट्रायंगल है, इससे क्या पता चलता है कि आर वन एंगल प्लस आर टू एंगल प्लस एंगल क्यू टी आर, इन तीनों मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सो क्यू टी आर बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू, तो वही हम लोग यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, देखो 90 कितना होता है, 180 और 180 360 कट जाएगा, तो बचाओ ए माइनस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू जीरो, सो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इक्वेशन नंबर टू, इसको ध्यान में रखना है, ये एक इक्वेशन मिला और एक इक्वेशन मिला। अब अगर हम लोग आर वन प्लस आर टू की जगह ए डाल देंगे यहाँ पे, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा इज बराबर आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये फॉर्मूला हो गया डेविएशन का। डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट, कितना एंगल में अंदर जा रहा है और कितना एंगल में बाहर निकल रहा है, माइनस ए। अब आर वन आर टू हम लोग क्यों हटा दिया, क्योंकि आर वन आर टू तो अंदर की बात है ना, इसके अंदर जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ये अंदर में क्या हो रहा है वो हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग क्या दिखाई पड़ता है, हम लोग को दिखाई पड़ता है कि एक प्रिज्म है, यहाँ पे कितना एंगल में गिर रहा है और कितना में लिखा है, वो दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जो फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग बाहर से दिखने वाला चीज़ के रेस्पेक्ट में उसको कैलकुलेशन कर पाए। तो बाहर में एंगल ऑफ इंसिडेंट दिख रहा है और एंगल ऑफ इमर्जेंट दिख रहा है, तो वो दोनों एंगल यहाँ पे लगा देंगे और ये तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दिख रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पे ला देंगे तो यहाँ पे डेल्टा मिल जाएगा प्रिज्म में।
ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन, इक्वेशन नंबर 3. तो ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये है ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए, जो दोनों सरफेस के बीच में एंगल, वो क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर वन एंड आर टू, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एंड डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए. ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से कई सारा प्रॉब्लम भी हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अब हम लोग देखने वाले हैं आई डेल्टा कर्व, मतलब जो डेविएशन होता है डेल्टा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे बदलता है, उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा है वो क्या है, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, मतलब डेल्टा किसके किसके ऊपर डिपेंड है, ए के साथ डिपेंड है. तो ए तो चेंज नहीं हो सकता, ए तो फिक्स्ड है एक प्रिज्म के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर प्रिज्म ए इज़ फिक्स्ड. तो यहाँ पे आई वन और आई टू के ऊपर डिपेंड करता है, और आई टू किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई टू तो आई वन के ऊपर डिपेंड करता है ना. अगर आई वन हम बदल लेंगे तो वो आई टू भी बदल जाएगा. मतलब अल्टीमेटली हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो डेल्टा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, क्योंकि आई टू इज ए फंक्शन ऑफ आई वन एंड डेल्टा, सो यू कैन से दैट डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ आई वन ओनली. ओके, तो आई वन हम लोग ना नाम देके इसको क्या आई दिए हैं, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कोई भी हो सकता है, मतलब आई वन हो सकता है, आई फोर आई फाइव कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग उसको वेरी करेंगे, अलग अलग हम लोग इंसिडेंट एंगल में लाइट को गिराएंगे और देखेंगे कि उसका डेल्टा कितना होगा. अगर हम लोग इसका ग्राफ निकालेंगे, सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ओके, ग्राफ विल लुक लाइक दिस. तो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा घटेगा घटेगा. एक टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, उसके बाद और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ेगा. ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको हम लोग आई एम बोलते हैं, आई एम मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम एंगल, जिसके वजह से क्या हो रहा है, डेल्टा मिनिमम हो रहा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस. और ये जो डेल्टा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एम. डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन कितना हो रहा है, डेल्टा का वैल्यू वेरी कर रहा है तो उसका मिनिमम वैल्यू ये है. और किसके वजह से हो रहा है, कौन सा आई है जिसकी वजह से मिनिमम हो रहा है, वो आई एम है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा एम है उसका वैल्यू आई के साथ रिलेटेड है. अब यहाँ पे अगर इक्वेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग अगर इसको आई टू प्लस आई वन डालेंगे माइनस ए चलेगा, डेल्टा तो सेम रहेगा ना. डेल्टा इक्वल टू अगर क्या है, 30 प्लस 60 माइनस ए, ऐसा है, मतलब 30 इंसिडेंट हो रहा है और 60 रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो अगर हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब 60 में डालेंगे लाइट को, तो वो 30 से निकलेगा, क्योंकि यही तो रूल है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री एंगल में अगर डालेंगे तो वहाँ पे 60 पे निकल रहा है, अगर वहाँ से उधर से अगर 60 से डालेंगे तो वो 30 से निकलेगा. बात तो एक ही हुआ है ना, इसका मतलब I1 और I2 को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा का वैल्यू है वो क्या है, दो दो वैल्यू में निकल रहा है. मतलब ये जो डेल्टा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये आई वन है, और यहाँ पे जो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू आई टू है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आई वन के लिए डेल्टा का जितना वैल्यू है, आई टू के लिए भी डेल्टा का उतना ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है. तो हम लोग अलग अलग एंगल के लिए सेम वैल्यू मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिल जाएगा. यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसके लिए जो डेल्टा होगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम लाइन में रहने वाला डेल्टा एक ही होगा. मतलब दो अलग अलग एंगल में एक ही डेल्टा मिल रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब एक 30 में मिल रहा है और एक 60 में मिल रहा है ऐसा. तो आई वन में जितना डेल्टा मिल रहा है, आई टू में वैसा ही डेल्टा मिल रहा है, मतलब दो दो मिल रहा है, दो दो एंगल के लिए सेम डेल्टा मिल रहा है. तो अगर हम लोग नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आई वन माइनस आई टू है, ये जो लेंथ है फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, मिनिमम डेविएशन कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. देखो जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, लाइन इधर आ जाएगा. तो ये जो आई वन माइनस आई टू जो लेंथ है, आई वन माइनस आई टू दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. लेंथ ऑफ द, ये जो लेंथ है स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना है, आई वन माइनस आई टू है, सॉरी आई टू माइनस आई वन है. इसका वैल्यू अगर 60 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है, तो दोनों का गैप कितना है, लेंथ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है.
तो ये जो गैप है आई टू माइनस आई वन, जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे ग्राफ में तो दोनों गैप घटते घटते एक टाइम क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा इस पॉइंट में, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम डिविशंस। ठीक है, तो मिनिमम डिविशन में क्या होगा, आई टू माइनस आई वन जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एट मिनिमम डिविशन क्या होगा, ए बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी जीरो। सो आई टू माइनस आई वन इक्वल टू जीरो, सो आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई एम। मतलब मिनिमम डिविशन कंडीशन में क्या होता है, आई वन और आई टू का वैल्यू सेम हो जाता है, मतलब जितना एंगल में वो अंदर जाता है और उतना ही एंगल में वो बाहर निकलता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो मिनिमम डेबिट होता है। ये जो डेविएशन होता है, मतलब लाइट कितना, ये जो डेविएशन होता है, तो वो डेविएशन का वैल्यू मिनिमम कब होता है, जब ये वाला एंगल और बाहर निकलने वाला एंगल सेम होता है, तो उसको याद रखना है। अब मान लेते कि आई वन और आई टू सेम होगा, तो आई वन और अगर आई टू सेम होगा तो आर वन आर टू भी सेम होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू बाई वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, इसका वन मान लेते हैं। सो यहाँ पे अगर स्नेल रूल लगाएंगे, साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू बाई वन। सिमिलरली यहाँ पे स्नेल रूल लगाएंगे क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आर टू बाई साइन आई टू इज इक्वल टू वन बाई म्यू, सेकेंड बाई फर्स्ट। अब यहाँ से हम लोग देख ही सकते हैं कि ये म्यू है, ये वन बाई म्यू है। अगर ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई वन बाई साइन आर वन मल्टीप्लाइड बाई साइन आर टू बाई साइन आई टू इज इक्वल टू वन, म्यू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई म्यू। अब देखो आई वन और आई टू इक्वल हो गया है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा साइन आर टू बाई साइन आर वन इज इक्वल टू वन। सो यू कैन से साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आर वन इक्वल टू आर टू। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला मिनिमम डेविएशन कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होता है, मतलब आई वन बराबर आई टू होता है। और इक्वेशन से हम लोग देखें कि अगर आई वन बराबर आई टू हो गया तो आर वन बराबर भी आई टू हो जाएगा, वो इक्वेशंस आ रहे हैं, वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में और क्या क्या रिलेशन निकलने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो स्नेल्स लॉ हम लोग लगाए हैं साइन आई वन बाई साइन आर वन, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो आई वन की जगह हम लोग क्या डालेंगे, हम लोगों को पता है कि ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है, ये तो जनरल फॉर्मूला है, मतलब सब कंडीशन में वैलिड है। लेकिन अंडर मिनिमम डिविशन क्या होगा, देखो अंडर मिनिमम डिविशन, अंडर मिनिमम डिविशन कंडीशन, मिनिमम डिविशन कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आई वन और आई टू सेम हो गया तो हम लोग, और आर वन आर टू सेम हो गया, तो ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू आर वन, आर वन प्लस आर वन। सो आर वन क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा की जगह क्या डालेंगे, डेल्टा नहीं डालेंगे, डेल्टा एम डालेंगे मिनिमम। जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम हो जाएगा तो आई वन आई टू बराबर हो गया, तो टू आई वन माइनस ए, तो यहाँ पे आई वन क्या निकलेगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, तो आर वन का वैल्यू ए बाई टू और आई वन का वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू आ गया है, लेकिन सब कंडीशन में नहीं, मिनिमम कंडीशन में। ये अप टू दिस दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल, बट हम लोग अब जो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं वो सिर्फ मिनिमम कंडीशन के लिए है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये स्नेल्स लॉ जो है, स्नेल्स लॉ वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पे साइन आई वन की जगह हम लोग क्या डालेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और साइन आर वन की जगह क्या डालेंगे, ए बाई टू, तो ये हो गया म्यू, और ये हो गया हमारा एक नया फार्मूला। इसको याद रखना है कि अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, जहाँ पे ए क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। ये जो डेल्टा है वो डेविएशंस, और डेल्टा एम मतलब स्पेशल कंडीशन जब वो मिनिमम हो रहा है, तो वो क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म अंडर मिनिमम डिविशन कंडीशंस। और ये जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ता है हम लोगों को लैब में। लैब में एक प्रैक्टिकल है जहाँ पे आई डेल्टा कर्व बना के हम लोगों को
दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आते हैं और कई सारा न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री। एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री है, मतलब ये कितना है 60 डिग्री। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3, मतलब म्यू कितना है √3। ओके, म्यू इज इक्वल टू √3। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ दैट प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन का जो एंगल होता है एक प्रिज्म के लिए वो निकालना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोगों को पता है कि अंडर रिफ्रैक्टिव मिनिमम कंडीशन हर टाइम में वैलिड नहीं है वो फॉर्मूला, लेकिन मिनिमम कंडीशन में वो वैलिड है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाय साइन ए बाई टू। म्यू की जगह हम लोग √3 डालेंगे और यहाँ पे साइन ए मतलब कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, साइन 60/2। साइन 60/2 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब हाफ, तो वो हाफ इधर जाएगा तो क्या होगा √3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। साइन कितना करने से √3/2 होता है 60 डिग्री। सो हम लोग लिख सकते हैं कि 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू, क्योंकि साइन ए करने से √3/2 आ रहा है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा 120 - 60 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 है, और द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये कितना है 30 डिग्री। ये दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ वन सरफेस इज पॉलिश्ड एज शोन इन द फिगर्स। इसका जो दो सरफेस था रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों में से एक सरफेस पॉलिश कर दिया गया है, मतलब वो क्या हो गया अभी मिरर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये पॉलिश कर देगा तो लाइट इधर से बाहर नहीं जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस आ जाएगा। पॉलिश्ड मतलब इट विल कन्वर्टेड इनटू ए मिरर इनसाइड वाला सरफेस। अब यहाँ पे पूछा गया कि वो कितना एंगल में गिरेगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर व्हिच लाइट रिट्रेस इस पाथ। वो कौन सा स्पेशल एंगल में गिरेगा ताकि लाइट वापस उसी लाइन पे फिर वापस आ जाए। मतलब मान लेते हैं कि लाइट ऐसे गिरा, उसके बाद इधर जाएगा फिर वापस इधर ही आएगा, जिधर रिट्रेस पाथ मतलब वही पाथ फॉलो करेगा जो पाथ पहले गया था। देखो, एक मिरर से लाइट तभी रिट्रेस कर सकता है अगर मिरर के ऊपर लाइट परपेंडिकुलर गिरे। एक मिरर में लाइट अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो उसी लाइन से वो वापस आ जाता है। ये अगर मिरर है मान लेते हैं, तो लाइट अगर ऐसे गिराएंगे तो लाइट ऐसे आ जाएगा ना, तो एक ही टाइम में वो एक ही केस में वो सीधा आ सकता है, अगर हम लोग ऐसे गिराएंगे वो ऐसे आएगा। तो ये रिट्रेस करने के मतलब है यहाँ पे जो पॉलिश्ड हो गया है, मतलब जो मिरर में कन्वर्ट हो गया है, लाइट वहाँ से जरूर परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर गिरा होगा, तभी क्या होगा वो पाथ को रिट्रेस किया होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भाई? मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर गिरा है तभी जाकर वो रिट्रेस होगा। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइट गिरा, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 0। इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंट R2 0 है। R2 अगर 0 है तो हम लोग ये रिलेशन लगा सकते हैं, A = R1 + R2। तो ये मतलब क्या है 30 डिग्री। R1 का मतलब क्या है पता नहीं, और R2 कितना है 0 है, तो R1 बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। R1 का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग ये निकालना है कि I1 कितना होगा, वो निकलना है। ठीक है, यहाँ पे R2 तो 0 है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया ही नहीं, 0 एंगल बनाया है, परपेंडिकुलर गिर है, तो हम लोग क्या निकलना है I1 निकलना है। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू बाई 1।
सेल्स लॉ इस जगह पे लगा रहे हैं, वन मीडियम से न्यू मीडियम में जा रहा है तो साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू जहाँ पे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू है और जहाँ से जा रहा है वो वन है। तो म्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, रूट टू, ये तो वन। साइन आई वन, आई वन कैलकुलेट करना है, आर वन का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30। सो साइन आई वन इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई रूट टू, तो हो गया 1/√2। सो आई वन बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री एंगल में अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो वो अल्टीमेटली जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगा और फिर वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा, क्योंकि ये तो मिरर में कन्वर्ट हो गया है। तो मिरर के केस में क्या होता है, कोई भी लाइट अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि आई वन का वैल्यू क्या होगा ताकि वो लाइट रिट्रेस करे, उतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बोला गया है लेकिन बोला गया है कि रिट्रेस करे। तो यहाँ पे मिरर्स है और रिट्रेस का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना एंगल में गिरा है, जीरो एंगल में गिरा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, जीरो। परपेंडिकुलर तो इसके साथ है लेकिन नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, जीरो एंगल है। तो आर टू जीरो हो गया, आर टू जीरो हो गया तो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये फॉर्मूला हर जगह पे वैलिड है। तो इसको लगा कि आर वन निकाल ले सकते, और आर वन अगर मिल गया तो आई वन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हर जगह पे वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे ए इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू म्यू, वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम डिविएशन का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसी को यूज़ करके करना पड़ेगा।